नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ चुका है और नेट प्रॉफिट यहां पे लगभग डाउन हुआ है 5% ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन यहां पे एस्टिमेट को बीट किया है। लेकिन स्टॉक का प्राइस देखिए, इस रिजल्ट को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है एंड उसका इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास करेक्शन कर चुका है एंड जिस टाइप का अभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, शायद इस रिजल्ट को मार्केट यहाँ पे कल आउट परफॉर्म कर सकता है, नहीं तो फ्लैट टू पॉजिटिव कल क्लोज होना चाहिए क्योंकि प्राइस ऑलरेडी देखे करेक्शन करके उसका इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। आज जिस टाइप का अभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लुक्स लाइक यहां से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखे जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है रिलायंस इंडस्ट्री का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। ईयर 2020 में देखिए बॉटम फॉर्मेशन के बाद ईयर 2021 में टॉप ट्रेड किया था, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे इस राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी इस चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड जब भी चैनल का लोअर बाउंड्री को टेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड इन बिटवीन प्राइस देखिए यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया है, ग्रीन जोन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी प्राइस देखिए इस ग्रीन लाइन को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड एग्जैक्टली वही इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है। अगर अभी मैं यहाँ पे आंकड़ भी आपको प्लॉट कर दूंगा तो देखिए आंकड़ भी आप यहाँ पे आर्ट एज ए सपोर्ट। अगर इस रिजल्ट को कल यहाँ पे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है एंड इसको पॉजिटिवली लेता है, प्रोबेबिलिटी हाई कि यहाँ पे रिवर्सल आने के बाद इस चैनल का अपर बाउंड्री को प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर सकता है जो कि लेवल बन रहा है 3600 के आसपास। अगर यहाँ पे जो वेल डिफाइंड सपोर्ट बन रहा है जहाँ पे प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को ब्रेक करेगा, उसी केस में प्राइस फिर से जो लोअर बाउंड्री को टेस्ट कर सकता है, जिस लेवल से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है, लेवल बन रहा है नियरली 2270। देखिए प्राइस अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, एक सपोर्ट के आसपास। अगर इस सपोर्ट को होल्ड करेगा तो 3600 के आसपास, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 2270, इस दोनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वहां पर आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं एंड उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को खुद का एनालिसिस को आर्ट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय।